Hey Marshmallows, मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा ये साथ आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। और अगर कोई चैनल पे नया हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग एशियन ड्रामास और मूवीज लेकर आने वाली हूँ। और आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को। दोस्तों, मुझे इंडोनेशियन हॉरर फिल्म देखना काफी पसंद है। आई होप कि आपको भी ये वीडियो खतरनाक लगे। तो आज की फिल्म का नाम है पारा बेतिना पेंगिकुत इब्लिस। अगर आप ये नाम सुनकर कंफ्यूज हो गए हो तो आपको बता दूं कि इस मूवी का जो टाइटल है उसका मतलब ऐसी औरतों से है जो इब्लिस यानी शैतान के बताए इशारों पर चलती हैं। कई इंडोनेशियन मूवीज में इब्लिस शब्द का इस्तेमाल भूतों में से सबसे खतरनाक शैतान के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस मूवी को कमजोर दिल वाले ना ही देखे तो अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं मूवी के पहले सीन की, जिसमें हम सुमी को देखते हैं जो बहुत घबराई हुई हालत में विलेज के इकलौते विदेशी डॉक्टर फ्रीमैन के पास जाती है। सुमी जाकर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके घर चलकर उसके पापा का इलाज करें। दोस्तों, इसके बाद हम सुमी के पापा को देखते हैं, जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया था जो कि बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें काफी ट्रीटमेंट के बाद भी आराम नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर फ्रीमैन जब उन्हें ऐसी हालत में देखता है तो वो उन्हें एनेस्थीसिया देकर उनके खराब हो चुके पैर को काटकर उनके शरीर से पूरी तरह अलग कर देता है। दोस्तों, यहाँ एक हैरान कर देने वाली बात देखने को मिलती है, और वो ये थी कि सुमी और कार्तो एक दूसरे से ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे मानो ये एक दूसरे के दुश्मन हो। कार्तो सुमी से कहता है कि मेरे पैर को जमीन में दफन कर दो, वो मेरे लिए एक शराब के बराबर है जिसने मुझे बहुत दर्द दिया है। मगर सुमी कहती है कि अभी मुझे घर का बहुत सारा काम करना है, मैं बाद में बाहर जाकर ये काम पूरा कर दूंगी। लेकिन सुमी ने कार्तो से ये झूठ बोला था। सच बात तो ये थी कि उसने कार्तो के कटे पैर को फ्रीजर में रखा हुआ था। दोस्तों, सुमी और कार्तो के बीच ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ सालों पहले सुमी की माँ उसके भाई को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी और शहर की तरफ चली गई थी। इसी वजह से सुमी को घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। उसे अपने जवानी के दिनों में एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिला। उसका मानना था कि जैसे ही उसके पापा कार्तो ठीक हो जाएं, तभी उसे भी थोड़ा आराम करने का मौका मिलेगा। जब कहानी आगे बढ़ती है तब हम सुमी को अपने इकलौते दोस्त साबिर से इस बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो बताती है कि वो शहर में अपने माँ और अपने भाई अहमद को ढूंढना चाहती है। इसके अलावा वो कहती है कि अब वो अपने पापा के गुलाई शव को फिर से खोलकर पैसे जमा करेगी। उसका दोस्त साबिर उसे अपने बॉस मिमिन का नंबर देकर उनसे कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए कहता है। सुमी उसकी बात मानकर बड़ी उम्मीद के साथ मिमिन के पास पैसे मांगने जाती है, और वहाँ वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर उसके बदले में तुम्हें एक साल बाद मेरी गुलाम बनना होगा। मिमिन उससे गलत काम कराने की शर्त रखता है, जिससे गुस्सा होकर सुमी वहाँ से चली जाती है। मगर वहाँ वो एक बूचर को गोट काटते हुए देखती है और उसे भी वो काम सीखने का मन कर रहा था। दूसरी तरफ उसके पापा कार्तो के शरीर में इन्फेक्शन कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये सब देखकर अभी अभी घर पहुंची सुमी फटाफट भागकर डॉक्टर फ्रीमैन को बुलाने जाती है। मगर जब तक वो उसके पास पहुंचती है तब तक फ्रीमैन किसी लड़की के साथ अपनी बाइक में कहीं जा रहे थे। कुछ देर बाद जब सुमी को एक सपना आता है तो उसमें उसे तालाब के पास सफेद रंग का लंबे नाखूनों वाला एक डरावना साया दिखता है। ये किसी और की नहीं बल्कि आत्माओं का सबसे खतरनाक शैतान इब्लिस की छवि थी। फिर अचानक कार्तो की दर्द भरी आवाज को सुनकर वो सपने से जाग जाती है। कार्तो उसे तेज आवाज में डांट उसके लिए खाना बनाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि तुम किसी काम की नहीं हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हो, तुम्हें भी उसके साथ ही भाग जाना चाहिए था। ये सुनकर सुमी भी पापा कार्तो के साथ बहस करने लगती है और गुस्से में कमरे से बाहर भाग जाती है। तभी अचानक उसे शैतान इब्लिस दिखाई देता है। उसे देखकर सुमी को डर लग रहा था, मगर वो सुमी को कहता है कि तुम्हारी मदद सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो और तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। मगर वो उसका जवाब नहीं दे रही थी। इब्लिस उसे कंट्रोल करने के लिए उसकी माँ की छवि दिखाकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिल पा सकता हूँ, फिर तुम अपनी जिंदगी के मजे ले सकती हो और तुम्हें इतना सारा काम भी नहीं करना पड़ेगा। सुमी ये सब सुनकर उसके जाल में फंस जाती है और उसकी बात मान लेती है। फिर कुछ देर बाद सुमी अपने पापा कार्तो को खाना पकाकर खाने के लिए देती है। मगर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उसने खाने में कार्तो को उसी का कटा हुआ पैर पकाकर दिया था, क्योंकि शैतान इब्लिस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। कार्तो उस मीट को खाकर खुश था, जबकि उसे इस बात का जरा भी अंदाज नहीं था कि जो वो खा रहा था वो उसी के शरीर का खराब हो चुका हिस्सा था। उसी रात को सुमी जब घर से बाहर जाती है तो उसका दोस्त साबिर उसे बताता है कि गांव में एक लड़की निंगरूम अचानक लापता हो गई थी। साबिर और बाकी के लोग उसे पूरे गांव में ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो
कहीं भी नहीं मिली। फिर जंगल के अंदर उन्हें निंग्रू मरी हुई हालत में मिलती है। उसके कपड़े एक तरफ से फटे हुए थे। उसके अंतिम विदाई के बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाता है। अगले दिन निंग्रूम की आत्मा उसकी बहन सारी के सपने में आकर उसे मौत का बदला लेने के लिए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं सोमी का सामना एक बार फिर शैतानी आत्मा इबलिस से होता है। इस बार वो उसे निंग्रूम के शरीर को कब्र से बाहर निकालने के लिए कहता है। सोमी चुपके से जाकर निंग्रूम की कब्र खोद कर उसके शरीर के टुकड़े कर देती है। वो उसका दिल निकाल कर पकाती है और उसे अपने पापा कार्तो को खिला देती है। इसके बाद वो निंग्रूम के हेड को फ्रीजर में रख देती है और बाकी बचे हुए गोश्त को वो अपनी दुकान में ले जाकर अपने कस्टमर्स को खाने के लिए दे देती है। इसी बीच साबिर जोर जोर से चिल्लाकर गांव वालों को बताता है कि निंग्रूम की डेड बॉडी उसकी कब्र से कहीं लापता हो गई है। फिर गांव वाले कब्रिस्तान जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि साबिर सही कह रहा था। तभी सारी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है। वो सबके सामने ये ऐलान करती है कि जिसने भी उसकी बहन की लाश को बाहर निकाला है उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब सुनकर सोमी वहाँ से भागकर घर वापस आ जाती है। उसके घर पहुँचते ही इबलिस एक बार फिर उसे परेशान करने लगता है। इस बार वो उसे उसके इकलौते दोस्त साबिर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि जिसे तुम अपना दोस्त मानती हो वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे भाई और तुम्हारे माँ से मिलने के लिए तुम्हें जल्दी पैसे जमा करने पड़ेंगे। क्यों ना तुम साबिर को मारकर इस बार अपनी दुकान में फ्रेश यानी ताज़ा मीट बनाकर बेचो। लेकिन सोमी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि वो साबिर को नहीं मारना चाहती थी। ये सुनने के बाद इबलिस उसे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कभी भी इस गांव से बाहर नहीं जा पाओगी और ना ही कभी अपनी माँ से मिल पाओगी। इसी बीच साबिर उसके कमरे में आ जाता है। यहाँ इबलिस की आत्मा सिर्फ सोमी को ही दिखाई दे रही थी जबकि साबिर को इबलिस नहीं दिख रहा था। वो सोमी को कहता है कि चलो हम गांव में कहीं दूर चले जाते हैं। सोमी भी उसकी बात मानकर अपना सामान ढूंढने अपने कमरे में जाती है और इसी बीच साबिर को फ्रिज में निंग्रून का कटा हुआ सिर पड़ा दिखता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता सोमी पीछे से इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। अगले सीन में जब साबिर को होश आता है तो हम देखते हैं कि सोमी ने उसे बांध रखा था। साबिर उसे कहता है कि सोमी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, प्लीज मुझे खोल दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मगर दोस्तों इनके अलावा यहाँ इबलिस अभी भी सोमी को साबिर के खिलाफ भड़का रहा था। उसने सोमी को बताया कि साबिर बिल्कुल उसके बॉस मिमिन की तरह है और वो तुमसे झूठ बोल रहा है। सोमी ये सुनते ही अपने हथियार से साबिर को भी मार डालती है। वो निंग्रून की तरह साबिर को भी अलग अलग हिस्से करके उसका ताज़ा गोश्त अपनी दुकान पे भी भेजती है। पर उसे ऐसा करते हुए देखकर कार्तो को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। सोमी अपने पापा कार्तो को कहती है कि वो ये सब सिर्फ अपने और उसके भले के लिए ही कर रही है, पर कार्तो उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए सोमी उन्हें भी पीट कर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ सारी को एक बार फिर उसकी बहन की आत्मा नजर आती है। इस बार वो उसे एक कड़ा देती है जिसमें ऐश किम्पा का लिखा हुआ था। आखिर इसका क्या मतलब था, ये कड़ा किसका था और निंग्रूम की आत्मा को ये कहाँ से मिला? दोस्तों इन बातों का पता लगाते लगाते आखिरकार सारी गांव की एक लेडी शमन तक पहुँचती है जिसका नाम ऐश किम्पाका था। ये लेडी बड़ी अजीब और डरावनी थी। काली साड़ी, सफेद बाल और झुका हुआ शरीर, उसे देखकर लग रहा था कि जरूर वो काला जादू किया करती थी। जैसे ही उसकी नजर अपने कड़े के ऊपर पड़ती है वो सारी के साथ लड़ाई करने लगती है। तभी किम्पाका का पागल बेटा बुरास अचानक वहाँ आकर सारी के सर पे डंडा मार देता है जिसके बाद सारी लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगती है। मगर जाते जाते वो वहाँ किम्पाका को अपने लड़के बुरास के ऊपर गुस्सा करते हुए सुन लेती है। किम्पाका कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुमने मेरा कड़ा छुपके से गायब करके निंग्रूम को दिया होगा, यानी बुरास निंग्रूम को जानता था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर थी। दोस्तों आखिर सारी की बहन निंग्रूम को मारने वाला कौन था? क्या उसे सुमी ने मारा था या फिर बुरास ने या फिर किम्पाका या फिर खुद शैतानी आत्मा इबलिस ही इस सब के पीछे था? दोस्तों इसके अलावा सारी के बारे में हमें आगे कुछ ऐसा पता चलेगा जो जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। अब आगे की कहानी हम पार्ट 2 में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी आपके लिए रिमेनिंग स्टोरी भी लेकर आऊंगी और आप बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट मूवी का नाम लिखकर जरूर बताना।